हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट से एक तरीके की नई मूवी आई है। क्या इसके अंदर सही तड़के लगे हैं कि नहीं लगे हैं, सही मिठास है कि नहीं है, सही तरीके आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि यूजली देखा गया है कि अगर ज़्यादा कुछ चीज़ें डल जाएँ, मसाले मसूले या फिर ज़्यादा चीनी डल जाए, तो आपको जलेबी का स्वाद भी अच्छा नहीं लगने लग जाता है। तो वही कुछ मेरे ख्याल से भट्ट कैंप के साथ भी हो रहा है। उन्होंने इतनी सारी मूवीज़ बना दी हैं हॉरर जॉनर के अंदर। आई थिंक देर आर शॉर्ट ऑफ आइडियाज़। वो शॉर्ट ऑफ आइडियाज़ क्या यहाँ पर भी इंप्लीमेंट होते हैं? क्योंकि 1920 जो फर्स्ट वर्जन आया था, उससे पहले राज आई थी, ये सब मूवीज थोड़ी सी चली थी। इन बिटवीन थोड़ा सा ये बोलूँगा कि डेड ही रहा है। अब ये जो मूवी है, ये उनकी बेटी ने, विक्रम भट्ट की बेटी ने डायरेक्ट करी है। किस तरीके की है, क्या इसकी स्टोरी के अंदर दम है कि नहीं है? मैं बोलूँगा ऑन पेपर इसकी स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा दम है, क्योंकि यहाँ पर आपको जिस तरीके का ट्विस्ट एक तरीके का दिखाने की कोशिश करी जाती है, वो एक अच्छा एलिमेंट है। हम क्या नेगेटिव पार्ट्स हैं उसमें भी आएंगे, जो कि काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर एक लड़की है जो ऐसा समझती है कि उसके बाप का जो मौत का कारण है, उसकी माँ है जो उसको छोड़ के चली गई थी, अब उसकी पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। अब इसके अंदर तंत्र मंत्र और ये सब चीज़ें यूज होती हैं, उसके बाप की आत्मा भी यूज होती है। जब वो वहाँ जाती है तो कुछ एक नई चीज़ डिस्कवर करती है, जो उसको ऐसा लगता है कि शायद ये पूरी सच्चाई नहीं है। अब ये सब क्या है, ये सब आप देखना। इसके अंदर ट्विस्ट के नाम पर यही है, बट हॉरर के एलिमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक चीज़ वर्क करती है कि अगर आप जितनी देर तक सस्पेंस क्रिएट करके रखते हो, भूत नहीं दिखाते हो, वो वर्क करता है। यहाँ पर भी वो वर्क किया, लेकिन जब भूत एक्सपोज हो गया तो वो इतना ज़्यादा एक्सपोज हो गया कि वो बिल्कुल इडियोटिक लगने लग गया, और वो इतना ज़्यादा इडियोटिक लगने लग गया कि आपने सोचा कि यार ये कार्टून टाइप फीलिंग क्यों दे रहे हो? ज़बरदस्ती चीखना चिल्लाना, और जब बच्ची के अंदर भी आत्मा चली जाती है तो वो ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब इज कि वो कोई क्रीचर है या फिर कोई वो जोम्बी है, क्योंकि वो मुझे जोम्बी मूवी ज़्यादा लगने लगी। और दूसरा ऐसा लग रहा था कि हाइड एंड सीक चल रही हो। आपको पता है कि जब आप अंधेरे में जाओगे तो कैंडल बुझ जाएगी, आपको पता है कि अगर आप आगे देख रहे हो तो पीछे से भूत चला जाएगा, तो भूत खुद डरा हुआ है कि भूत डराने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाती है। एंड भी जो जिस तरीके का स्केयर क्रिएट होना चाहिए वो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होता है। गाने बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, म्यूज़िक जो है उसके अंदर जहाँ जहाँ भी जंप स्केयर्स इन्होंने डाले, और काफ़ी सारे जंप स्केयर्स हैं इसके अंदर, उसके अंदर बहुत अच्छा म्यूज़िक आता है। नो डाउट बैकग्राउंड स्कोर इस तरीके का आता है कि आपको थोड़ा सा चिल देता है, और आई थिंक वही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हुआ। अदरवाइज सीन जो होता है वो ठंडा होता है, सब कुछ देखा वाला लगता है। मैं यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा कास्टिंग की भी बात करना चाहूँगा, चाहे वो फादर हो, चाहे राहुल देव हो, चाहे वो उसकी माँ का रोल हो, चाहे अविका गौर का कुछ रोल हो, सब ऐसे लग रहे थे जैसे इनको आधी सैलरी मिली है। सब लोग नॉट इंटरेस्टेड टाइप से लग रहे। मुझे ऐसा लगा कि ये जो सस्ती किसी टाइम पे आहट टाइप की कोई जो आती थी ना टीवी के ऊपर, शोज आते थे बहुत पुरानी, 90s की बात कर रहा हूँ, आहट बहुत फेमस हुआ करता था सोनी के ऊपर, उस जोन के अंदर लगा। बिल्कुल क्वालिटी नहीं लगी, प्रोस्थेटिक बहुत पुअर थे। कुछ कुछ सीन्स हैं जो कि उन्होंने नाइट के अंदर शूट करे वो ठीक थे, लेकिन जहाँ पर उन्होंने VFX का यूज़ किया है, स्पेसिफिकली कुछ ट्रेन वगैरह के शॉट है, वो इतने कि आप बोलोगे कि अगर आपके पास घर में ग्रीन कर्टन वगैरह तो यू विल डू अ बेटर जॉब, इस तरीके की फीलिंग आएगी। तो पैसा तो बिल्कुल नहीं खर्च किया गया है इसके ऊपर, एक्टर्स भी चलते फिरते ले लिए हैं, और प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा पुअर है। नाइट शॉट्स कुछ कुछ ठीक हैं, जेन्युइनली अच्छे लगते हैं, वो भी थिएटर अलग एक्सपीरियंस है, तो इसलिए घर पे कैसे लगेंगे, मोबाइल स्क्रीन पे कैसे लगेंगे, आई रियली डोंट नो। बट ये देखने लायक मूवी तो नहीं लगी मुझे, क्योंकि जिस तरीके की इंटेंसिटी होनी चाहिए, आपको स्केयर क्रिएट होना चाहिए, जिस तरीके से चेंज ऑफ हार्ट भी होता है इसके अंदर, जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, वो चेंज ऑफ हार्ट के अंदर भी मतलब ओवर एक्टिंग, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं जैसे वो होता है ना साड़ी सीरियल्स जो होते हैं, टीवी शोज जो डेली सोप्स आते हैं, वैसा वाला मेलो ड्रामा डालने की इसके अंदर कोशिश करी गई है, जिसके अंदर हार्ट नहीं है। मेलो ड्रामा भी होता लेकिन हार्ट होता तो शायद फिर भी चल जाता। मेरा मूवी शूवी स्कोर रहेगा 4 out of 10। इट्स अ नथिंग स्टोरी, कुछ मज़ा नहीं आया इसके अंदर। ऑन पेपर आई एम श्योर ये मूवी की स्टोरी ठीक ठाक होगी, और मतलब अगर मैं ओवरऑल बेसिस पे अगर समरी की बात करूँ तो ठीक लगती है, एग्जीक्यूशन बहुत पुअर। जल्दी मिलते हो रिव्यूज के साथ, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।